आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए देख लेते हैं 15 अगस्त की कुछ झलकियां। तो ये वीडियो संडे की है, जो कि हम मार्केट गए हुए थे, बच्चों के लिए झंडा लेना था, उनको हाथ में जो रिबन बांधा, वो सब जो 15 अगस्त की तैयारी होती है वो सब करने के लिए मार्केट गए हुए। तो आज तो हम लेट हैं, 5:30 बज रहे हैं, आधे घंटे लेट हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि आज है संडे, ऐसा तो सभी सोचते हैं, तो मैंने भी वही सोचा। सबसे पहले आज हफ्ते भर की नींद पूरी की और आराम से 5 बजे उठे हैं। 5 बजे उठने के बाद दतुवन मंजन और फ्रेश होना, हाथ पैर मुंह धुलना और उसके बाद गर्म पानी पीना, फिर टहलने निकलना। तो 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे से 1 घंटा टहलना होगा, वो भी तेज़ तेज़ वॉक होगा, तो 6:30 बजे तक। आज कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम का लिमिट नहीं है, क्योंकि आज है संडे। तो आज हम जंगल की तरफ से आए हैं और उसके बाद घर वापस आके गुनगुना पानी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना। आप चाहे तो इसमें ना पानी में थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल के पी लें, लेकिन मुझे क्या ना सूट नहीं करता, ना कड़ी पत्ता, ना नींबू, ना शहद, ऐसे सिंपल। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पतले लग रहे हैं ना, जब कैमरे में देखा तो खुद को ऐसे देखते हैं। ये जो हमारा निचला मतलब पेट वाला हिस्सा है, इतना ज़्यादा बाहर बाहर हो गया था कि क्या बताएं, इतना ज़्यादा पतला लग रहा है ना खुद को। हाथ वाथ देख सकते हैं, इतना ज़्यादा मोटे मोटे थे। कोई अगर हमारी फ़ोटो होगी पहले की तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं 6 महीने हो चुके मुझे डाइट करते हुए, हमने शायद जनवरी से शुरू किया था। है संडे तो सब लोग घर पे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, गर्म पानी पी लिया है, फिर से गर्म पानी किया है, एक बार और पियेंगे आज। और उससे पहले हम चाय चढ़ा देते हैं, पानी तो पीते ही रहेंगे, क्योंकि 8 बजे 9 बजे तक मेरा पानी ही चलता है, 2 बार से 3 बार, कभी कभी 3 बार हो जाता है, नहीं तो 2 बार तो पूरा रहता है फिक्स। तो चाय चढ़ा दी है, अदरक चीनी चाय पत्ती डाल के, अदरक खोल चुकी है, चाय छान के देते हैं, हस्बैंड ही चाय पीते हैं घर में, बच्चे आजकल जो उनका नाश्ता आया हुआ है वो पी लेते हैं, और मुझे सबसे अच्छा लगता है, इस बहाने बच्चे कुछ लेते हैं, फ्रूट भी डाल दो इसमें और दूध भी चला जाता है, नहीं तो चाय पीते हैं। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट नाश्ता रहता है वैसे बच्चों के लिए। आप दूध भी से दे सकती हैं, हॉर्लिक्स भी दे सकती हैं, बच्चे तो वैसे मेरे इतने बड़े हैं, हॉर्लिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। बिटिया थोड़ी छोटी है, लेकिन बाबू मेरा गोलू थोड़ा लंबा टंबा है, पतला है। और उसके बाद घर की साफ़ सफाई हो जाती है, घर की साफ़ सफाई आज हमने कर दी है, झाड़ू पोछा कर दिया है कम्प्लीट, पूरा साफ़ सफाई। इतना ज़्यादा मेहनत लगती है, सबसे ज़्यादा जो बोरिंग वाला काम होता है ना, मुझे झाड़ू पोछा होता है। मुझे लगता है ना कि कोई झाड़ू पोछा कर दे तो सबसे अच्छा हो जाए। बस झाड़ू पोछा होने के बाद स्नान हो जाते हैं, आज संडे था तो हमने सोचा चलो बाल धुल लेते हैं, संडे हो चाहे मंडे हो, बृहस्पतिवार शनिवार कोई ऐसा दिन जिस दिन बाल नहीं धुला जाता है, छोड़ के बाकी के दिनों में बाल धुल ही लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसे स्मेल सी आने लगती है। फेस में कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ गुलाब जल लगाते हैं, रात को एलोवेरा जेल लगाते हैं, ना कोई फाउंडेशन ना कुछ, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर हो गया, कभी कभी काजल लगा लेते हैं जैसे इंस्टाग्राम की रील्स शूट करनी होती है। तो बस पूजा पाठ कर लेते हैं, फटाफट से फूल चढ़ा देते हैं भगवान जी के पास और अपने गिले सिक्के भगवान जी से कह देते हैं जो भी गलती गुनाह हो माफ़ी हो उससे। कभी कभी होता है ना, मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि भगवान से कह देनी होती हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ना सबकी सुनते हैं, तो मेरी भी सुनेंगे। मेरे मन की जितनी सारी बातें होती हैं, मन की भड़ास जितनी होती है, सारा भगवान से कह देते हैं। पूजा होने के बाद हमने सोचा सबसे पहले दाल चढ़ा देते हैं, सब लोग घर पे ही विराजमान हैं तो खाना भी आज जल्दी ही चाहिएगा, 11 बजे 11:30 बजे तक, नहीं तो खाना क्या होता है ना दोपहर को जब आते हैं 2 बजे करते हैं, लेकिन जब घर पे रहते हैं सब लोग तो जल्दी खाना हो जाता है। जब तक हमने दाल चढ़ाई है दाल पकती रहेगी, दाल में हल्दी नमक डाला है, अरहर की दाल बनेगी, सिंपल खाना आज बनेगा, एकदम सादा, कोई भी मसाले वाला नहीं बनेगा। जब तक हमारी दाल पकती रहेगी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में अंकुरित चने हैं, एक छोटा सेब है, 2 छुहारे हैं, 1 गिलास दूध है, कभी कभी मतलब फ्रूट नहीं रहते हैं, और आजकल ना सिर्फ चने ही अंकुरित किए हैं, मूंग नहीं स्प्राउट किया। हमने सोचा जब चने खत्म होंगे तो मूंग को स्प्राउट करते हैं। नाश्ता हो गया, उसके बाद सब्जी की कटिंग करेंगे। ये गोल वाली लौकी, जब भी आप लौकी खरीदने जाएं गोल वाली लौकी ले, इतनी टेस्टी इतनी मीठी होती है, इतनी जल्दी गल जाती है कि पूछो मत। अब मेरे घर में यही लौकी आती है, इतनी मुलायम होती है ये वाली लौकी। लौकी को पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ आधा ही बनाना है,
आधा रख देना है, क्योंकि आधे की ही ज़रूरत है। इतनी मुलायम लौकी थी और सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी ना कि बच्चे सब्जी चावल खाए हैं। बिटिया को लौकी बहुत ज़्यादा पसंद है गौरी को, तो बस लौकी को फटाफट से कट कर लेना है। लौकी को पहले छील लेते हैं, उसके बाद धुल लेते हैं, फिर कट करते हैं, क्योंकि कट करके नहीं धुला जाता। लौकी, नेनुआ, तिरोई, इन सारी सब्जियों को छील के धुल लेते हैं। सब्जी कट करके रख दी है, दाल पक चुका था उसको निकाल लिया है, और बस कुकर धुल के उसमें चावल डाल लेते हैं। चावल धुल के पहले ही रख लेते हैं दाल के साथ ही, दाल चावल सब धुल लेते हैं। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है, जीरा हरी मिर्च का तड़का लगाएंगे। लौकी की सब्जी में हरी मिर्च नहीं पड़ती है, लेकिन एक डाल देते हैं, तो हरी मिर्च, जीरा, थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस कटी हुई लौकी को छोंक देंगे और इसमें नमक ऐड कर देंगे। लौकी को बार बार चलाना भी नहीं होता, अब दो तीन बार चला दें सब्जी बहुत अच्छे से पक जाती है। लौकी जलने का भी चांस नहीं होता, इसमें बहुत नमक ऐड कर देंगे। नमक आप थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि लौकी गलने के बाद ना कम हो जाती है। कभी कभी नमक जो है ना हम सब्जी के अंदाज से डाल देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तेज़ हो जाता है। इसलिए आप कोई भी पानी वाली सब्ज़ी जैसे नेनुआ बनाएं या फिर लौकी बनाएं तो नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि सूखने के बाद सब्जी कम हो जाती है। बस इसको ढक देना है, बीच बीच में चलाते रहना है। उसके बाद फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। आज सब लोग घर पर हैं ना, जब सब लोग घर पर रहते हैं टाइम का ऐसे पता नहीं चलता कि पूछो मत, मतलब कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। सब लोग इतना ज़्यादा पकाते हैं, जैसे खाना पकाना पड़ता है मुझे, वैसे सब लोग घर में रहते हैं। किसी का ये नहीं मिल रहा, किसी का वो नहीं मिल रहा, किसी और कहीं ना बच्चे लड़ने लग जाते हैं, उनको छुड़ाने जाओ, मतलब घर पे रहो रहते हैं ये सब लोग, तीनों लोग, तो समझो शांति नहीं। और हस्बैंड का तो कुछ ना कुछ इधर उधर बस घूम ही हुआ रहता है। तो इसके बाद सब्जी चला दी है, अच्छे से गल चुकी है। मुझे दही जमाना था, उसके लिए हमने यहाँ पे बाउल में दूध लिया है, ये कल का दूध था, तो हमने सोचा चलो इसकी हम दही जमा देते हैं। इसको खूब अच्छे से गर्माना, आप लोग पूछते हैं ना दही कैसे इतनी अच्छी जमती है, तो इसको खूब अच्छे से गर्मा लेना है, दूध को गाढ़ा कर लेना है। मलाई नहीं निकालनी है दूध की, मलाई सहित आपको इसको गाढ़ा कर लेना, एकदम झाग जैसे बन जाती है। देखिए कितने अच्छे से गर्म हो चुका है, उसको दूसरे बर्तन में खाली कर लें जिसमें आपको दही जमानी है, तो सारा दूध उसमें पलट लें। आप लोग पूछते हैं जोरन क्या होता है, जोरन वही होता है जो दही जमा के हम लोग रखते हैं, तो थोड़ा सा दही बचा के रखते हैं, क्योंकि दही से ही दही तैयार होती है। तो बस यही दही डाल देना है थोड़ा सा, इसके बाद इसको आपको ढक के एक स्थान पर रख देना है, इसको हिलाना डुलाना नहीं है बिल्कुल भी, ये अच्छे से जम जाएगी 3 से 4 घंटे में। उसके बाद मुझे बनानी थी चटनी, क्योंकि आज लंच जो बना है ना एकदम सिंपल सादा बना था, तो हमने सोचा चलो इसमें चटनी बना देते हैं। तो चटनी का तड़का जो रहेगा सिंपल लंच के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। धनिया की पत्ती अवेलेबल थी घर में, टमाटर था, हरी मिर्ची डाल के इसमें 2 लहसुन की कलियाँ, सेंधा नमक डाल के, चाहे तो आप जीरा भी डाल सकती हैं। बस इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेना, आपकी हरी चटनी बन के तैयार हो जाएगी, जो कि इतना टेस्टी बनी थी कि पूछो मत। टमाटर धनिया की चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। जब आपका खाना सिंपल हो, मसालेदार ना हो ना, तो आप चटनी ज़रूर बना लें साथ में। वैसे आप टमाटर भून के भी बना सकती हैं, इसमें मूँगफली भी डाल के बना सकती हैं। चटनी बनके तैयार है। और ये देखिए हमारी जो लौकी की सब्जी बनाई थी कितनी बढ़िया से गल गई है ना, और यकीन मानिए इतनी मीठी होती है लौकी की सब्जी, गोल वाली की पूछो मत। उसके बाद इकट्ठा हुए थे सारे बर्तन, दूध के 2 भगोने, चाय के बर्तन, कढ़ाई, मतलब कुकर नहीं खाली किया था, बाकी के सारे बर्तन जितने थे हमने सोचा एक बार धुल लेते हैं। बच्चे खाना खा चुके थे, और बच्चे जब घर में रहते हैं सोचते हैं कि चलो बच्चों को लाए, तो बच्चों का तो दिन भर टीवी में ही बिजी रहते हैं, बोलते हैं चलो आ जाओ तुम लोग भी, कहते हैं क्या करें हम लोग आके क्या बोलें, हम सोचते हैं चलो ठीक है नहीं आना है तो कोई बात नहीं। बच्चे अपना दिन भर अपने काम में, खेल कूद में, सब में बिजी रहते हैं। और बस बर्तन धुल चुका है ढेर सारे, जितने सुबह से लेके दोपहर तक निकले थे, और हमने लिए अपने लिए लंच लगा लिया। सिंपल थाली, इतना टेस्टी खाना था, और ये मतलब कि इतनी जल्दी खाना पच जाता है जितना सादा सिंपल होता है। मसालेदार खाओ तो ऐसे गर्मी में ना अजीब सा लगता है, अब तो मेरी आदत बन चुकी है सादा सिंपल खाने की, लेकिन पहले होता था तला भुना मिर्च मसाले, चाट पकौड़ी, समोसा आए दिन घर में बनता था, लेकिन अब ना मेरा बनाने का मन होता है ना ही खाने का मन होता है। अब एक दिन सोच रहे हैं ना कुछ बनाने की, लेकिन मन ही नहीं होता, सोचते रह जाते हैं कि आज ये बनाएंगे आज वो बनाएंगे, लेकिन सोचा कि सोचा ही रह जाता है। बस खाने को 32 बार चबाना है। चटनी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, सब्जी भी मीठी थी, सलाद थोड़ा सा काटा है, खाने को 32 बार चाव करके खाना है। उसके बाद बस शाम को कोई चाय वाय बनाई थी सबके लिए, मतलब बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। उसके बाद मार्केट निकल गए थे, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग करनी थी 15 अगस्त के, और ये शॉपिंग आज से नहीं कई दिन से चालू है, लेकिन आज जाना इसलिए था क्योंकि झंडा लेना था, रिबन लेना था, बच्चों का जो स्कूल में लगा के जाना था,
और पूरा शहर 15 अगस्त की मतलब देखिए कितने अच्छे से सजा हुआ है। और जितनी सारी लाइटें लगी थी ये 3 रंग में लगी हुई थी, सफ़ेद, केसरिया, हरा रंग में। जितनी मतलब पूरा गोरखपुर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि पूछो मत। ये मतलब देखते बन रहा था, मतलब आप लोग देख सकते हैं जितनी सारी लाइटें लगी हैं सारे के सारे 3 रंग में लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा बहुत कम ही होता है जब मार्केट जाते हैं जैसे 15 अगस्त के पहले, लेकिन आज निकलना इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों के लिए ख़रीदारी करनी थी। तो बस ख़रीदारी करते करते बिग बाज़ार भी पहुंच चुके थे, हमने सोचा चलो वहीं पास में ही है, चलो थोड़ा घूम आते हैं, देखते हैं। बाई गेट वन फ्री था, 500 ऑफर था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी शॉपिंग भी हो जाए, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिया था। गए तो थे कुछ और ख़रीदने, करने कुछ और लगे, इतना ज़्यादा सुंदर लगा था सब लोग। और बस वापसी हो चुकी है, ये है हमारा पंत पार्क, जो कि पहले ये लाइटिंग नहीं लगी हुई थी, अब थोड़े दिन पहले ही ये लाइटिंग लगी है और ये रात के टाइम पूरा जगमगाता रहता है। पंत पार्क यूनिवर्सिटी सामने सामने है, एक तरफ यूनिवर्सिटी है दूसरी तरफ पंत पार्क है, और यूनिवर्सिटी में भी अभी लाइटिंग सिर्फ लगी हुई है, बाकी और कोई सजावट नहीं हुई है। सजावट हो रही थी जब हम आ रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लाइट लगी हुई थी। कितना सुंदर लग रहा है ना, केसरिया, हरा और बीच में सफ़ेद, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बाज़ार से वापस लौट चुके हैं, सारी सामान की ख़रीदारी रास्ते में ही पड़ता है जब हम अपने घर आते हैं ना, तो पंत पार्क, DDU सब रास्ते में ही पड़ता है। तो बस आते समय थोड़ा सा हमने कहा चलो भाई आज ये 15 अगस्त की धूमधाम है, हम भी थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। रात के 8 बज चुके हैं बाज़ार से आते आते, और घर आके बस वही खाना पीना बनाया, सबने खाया पिया, सो गए। फिर अगले दिन बच्चों का स्कूल था, 15 अगस्त मनाने गए। आगे आप लोगों को थोड़ा सा मेरी बिटिया रानी का कार्टून परिवार दिखा देते हैं। ये पूरा कार्टून बनाई है, क्ले है, इसको हाथ से बनाई है, इतना सुंदर बनाई है, मैं सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। पूरा कार्टून का परिवार बनाई है। आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।